गुड मॉर्निंग वॉरियर, गुड मॉर्निंग वॉरियर। ऐसा नहीं लग रहा है कि हॉल के अंदर 1500 लोग बैठे। मैं अभी लास्ट में देख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि लोग यहाँ पे मातम बनाने आए। मातम बनकर मतलब जानते हैं ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोग मातम बनाने नहीं, आप लोग यहाँ पर सेम शॉप में सीखने और हल्ला करने के लिए आए। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि इस बिजनेस में जनून और शरीर के अंदर खून यदि ये खत्म हो गया ना, तो समझो बंदा हुआ। इस बिजनेस में जनून और शरीर के अंदर खून ये बहुत अहमियत रखता है, जानते हैं ना। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर जिस इंसान को खून की जरूरत पड़ जाती है ना, समझो कि वो आदमी कभी भी ऊपर जा सकता है ना। तो इस बिजनेस के लिए भी आपको ठीक खून की तरह जनून रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस जनून से चलता है और शरीर खून से चलता है। जहां पर ये दोनों चीजों की कमी होगी ना, समझो वो आदमी इस बिजनेस में कभी जिंदा नहीं रह सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने शरीर के अंदर खून के अंदर उबाल रखिए और इस बिजनेस के अंदर जनून रखिए, तभी जाके इस बिजनेस का आपको असलियत समझ आएगा कि हम लोग इस बिजनेस में क्या कमा सकते हैं। क्या आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार है? मेरा साथ देने के लिए तैयार है? चार लोगों के हाथ खड़े होते हैं। देखो, मैं सिर्फ आप लोगों का 15 से 20 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि मुझे भी मेरे भगवान ने, मेरे गुरु ने एक काम किया है कि इन लोगों के अंदर ना बारूद डालना। क्या डालना है? बारूद। क्या डालना है? बारूद डालना है। लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों की बॉडी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा भाई। yes, क्या वाकई में आप उस बारूद को सहन कर पाओगे शरीर के अंदर? या पटाखे की तरह ब्लास्ट तो नहीं हो जाओगे? तो आप लोग बारूद खाने के लिए तैयार है? सतीश ठाकुर, आप सभी लोगों का इस द सीक्रेट ऑफ सक्सेस जलवा ट्रेनिंग के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे यहां पर नए वॉइस आए हैं ना, उन लोगों के लिए दिल से और चौका तालियों के साथ उनका कैसे वेलकम होना चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक बार चौका तालियों के साथ बताना चाहूंगा। इस बिजनेस से पहले मैं क्या था, मेरी जिंदगी क्या थी, मुझे आज भी वो वक्त याद है जब दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम के अंदर मैं भी एक फ्रेशर की तरह इस सेफ शॉप की ट्रेनिंग को देखने आया था। तब 5000 लोगों का भीड़ था, 5000 लोगों का भीड़। और उस वक्त एक चीज मुझे समझ आ गई थी कि मुझे भी इस बिजनेस में अपना नाम और शौहरत बनानी है। आज आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर जो ये लेजेंड्स की फोटो लगी हुई है ना, हमारी फोटो यहां पे नहीं थी। ऊपर वाले ने डिसाइड नहीं किया था, डिसाइड मैं उस दिन करके आ गया था कि मुझे भी अचीवर गैलरी के अंदर, यानी कि ये लेजेंड्स के जो ये फोटो गैलरी है ना, इसके अंदर मुझे भी अपना एक चमचमाता हुआ फोटो लगाना है बस इस बिजनेस के अंदर। आप लोग भी अपने आप को
स्पेशल हो। आप लोग भी अपने आप में मेरे दोस्त देश की हीरे की तरह हो। मत डरिए कि मैं दुबला पतला इंसान हूं, मैं बिल्कुल सांवला या काला दिखने वाला हूं, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, मैं तो खपरे के मकान में रहने वाला हूं। ये सतीश ठाकुर जो आज थे इस बिजनेस से 7 करोड़ से ज्यादा की इनकम करके जो बैठा हुआ है, ये भी वैसे ही दुबला पतला इंसान था मेरे दोस्त। मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, मुझे भी डर लगता था, मुझे भी डर लगता था, मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और मैं भी खपरे के मकान में रहने वाला व्यक्ति था मेरे दोस्त। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को आज इस बिजनेस के अंदर वो शेयर बनाना चाहता हूं, आप लोगों के अंदर वो बारूद बनना चाहता हूं, आप सब चुपका के आ जाओ। बस वही चीजें आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, वही चीजें कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर जुनून और शरीर के अंदर खून, यदि ये दो चीजें आप लोगों की खत्म हो गई ना, कब कहानी खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा मेरे दोस्त। मेरी बात को समझ रहे हैं? Yes, मेरी बातों को समझ रहे हैं? भाई बिजनेस में जुनून और शरीर के अंदर खून, ये दो चीजें आप लोगों को बरकरार रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनके निकलोगे मेरे दोस्त, डायमंड बनके निकलोगे। इसके लिए मेरे दोस्त आप लोगों को वो घबराहट वो डर अपने दिल से निकालना पड़ेगा। सोच के देखिए, आप जितने भी लोग इस हॉल के अंदर आए हैं ना, मैं जानता हूं कि सारे लोग यहां पर 15-20-30-25 हजार रुपए देकर इस बिजनेस के अंदर आए हैं, लेकिन सोचिए उस 25-30 हजार लगाने के बाद ये सैकड़ों प्यारी सी कंपनी आपको कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी, कितना बड़ा मौका देगी आगे के मेरे दोस्त। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, आज मुझे सेम शॉप ने कब रोड से करोड़ पे बताया मुझे भी पता नहीं चला मेरे दोस्त। आज ये ताकत है सेम शॉप की। एक वक्त था जब स्कूल कॉलेज के दौरान जब मैं अपने फ्रेंड्स को देखता था कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, वो कॉलेज में जब आते थे ना तो अपने बुलेट या बाइक में आते थे, ब्रू 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 ब्रू, तो मैं देखता था कि काश मेरे परिवार, मेरे पेरेंट्स भी आज इतने अमीर होते तो मैं भी अपनी एक बढ़िया सी बुलेट में या बढ़िया सी बाइक के कॉलेज के अंदर आता। अफसोस क्या करे, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था मेरे दोस्त। मैं जानता हूं इस हॉल के अंदर आज हर एक व्यक्ति लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, यानी कि इस जमीन से जुड़ा हुआ है। क्या मैं सही हूं? Yes, क्या मैं सही हूं? ठीक, yes, मैं भी इसी तरह से एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ा हुआ एक इंसान था। मेरे सपने तो बहुत थे, लेकिन अफसोस कि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। उस वक्त बाइक का सपना था, गाड़ी का तो कभी सोचा ही नहीं था, सपना ही नहीं सोचा था गाड़ी का कभी। बाइक का सपना था कि काश इस जन्म में तो कम से कम मैं इतना अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं और साथ में अपना एक बढ़िया सा सपना पूरा करूं, और वो बाइक का, बुलेट का सपना। ये बात अलग है कि सेफ शॉप के बाद मुझे बाइक चलाना नहीं आता, ना मैंने बुलेट खरीदा। आज सतीश ठाकुर के पास तकल से 60 लाख रुपए का भरसक इस गाड़ी की है, क्योंकि सेफ शॉप ने उस वक्त 2009 के
मेरे जो मेंटोर है रोहित पट्यासर, आजाद पट्यासर, भूषण पट्यासर और शबन पट्यासर, मैं शत शत नमन करता हूं इन लोगों के लिए कि इन लोगों ने उस वक्त मेरे अंदर वो पटाखों की जगह ना बारूद भर दिया था, बारूद, और मेरा भाई का सपना से निकल के आज मोटी का सपना पूरा हो गया है। क्या आप लोग नहीं कर सकते ये सपना पूरा? क्या आप लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसके लिए आपको जुनून और शरीर के अंदर खून बरकरार रखना पड़ेगा, सुस्ती आपको भगानी पड़ेगी, शर्म आपको भगानी पड़ेगी, डर आपको भगाना पड़ेगा, आपको हर जगह अपने आप को फ्रंट फुट में निकालना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ पीछे से जो लोग बैठे हैं ना, कई लोग मतलब मुंह खोल रहे हैं, बासियां मार रहे हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि पता नहीं आज मैं किस जगह पे आ गया। आप सही जगह पे आए हो मेरे दोस्त, सही जगह पे आए हो, क्योंकि यहां पर करोड़पति बनाने की फैक्ट्री है। बनना चाहोगे? बनना चाहोगे? आज यदि मैं आप अपनी बात करूं, आज इस बिजनेस में यदि नेटवर्क की बात करूं तो मेरा नेटवर्क 1 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है। आज जो बेचारे वो नए लोग इस बिजनेस में आए हैं ना, वो परेशान है कि मेरे दो कौन होंगे। मेरा एक तो लंगड़ा है, एक अभी चल रहा है, मेरा दूसरा कहां से आएगा? वो अपने अपलाइन को बोल रहा है मेरे नीचे ढा दीजिएगा दूसरा भी। वो अभी लंगड़ा चला हुआ है, अपलाइन को बोलता है घर से निकल नहीं रहा है, फील्ड में जाता नहीं है, प्लान करता नहीं है, ट्रेनिंग जाता नहीं है, प्रेजेंटेशन आता नहीं है, और अपलाइन को बोलता है कि सर मेरा तो लंगड़ा है, एक साइड डाल दीजिएगा, मेरा चकवा बन जाएगा। अरे सोच के देखो मेरे दोस्त, यदि आज 13 साल पहले ये सतीश ठाकुर ऐसे लंगड़ा चला होता तो क्या आज मैं 7 करोड़ इनकम करता? क्या आज मैं अपने गांव सिटी के अंदर 1 करोड़ का घर बनाता? क्या मैं आज अपने ब्लॉक के अंदर, आज मैं अपने विधानसभा आनी हमारा हिमाचल प्रदेश का, जहां से अभी इलेक्शन के लिए विधायक के लिए लड़ा था वो शख्स, आज उसके पास भी मर्सिडीज गाड़ी नहीं है भैया, आज उसका भी 1 करोड़ का घर नहीं है। वो जो जनता है ना, वो सिर्फ दिखावे की जनता है, लेकिन मेरे साथ तो 1 लाख लोगों का परिवार है। मैं भी रहूंगा ना तो भी नो, 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 नो। ये है सेफ शो। आप कोई भी इलेक्शन लड़ लो ना, 4-5 साल तक पब्लिक आपके पीछे कुत्ता बन के भागेगी, कुत्ता बन के, जानते हो ना, कुत्ता बन के भागेगी। लेकिन ये सेफ शो बिजनेस आपको पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बना के देगी मेरे दोस्त, राजा बना। आज ये सतीश ठाकुर इस बिजनेस से 7 करोड़ तो कमाए हुए मेरे दोस्त, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज कहता हूं कि आज मार्केट के अंदर झोला छाप कंपनी वाले बहुत सारे चल रहे हैं, वो आपको लालच देते हैं कि मैं तो इस बिजनेस में था, मेरा कुछ हुआ नहीं, मैंने कंपनी बदल दिया, आज मैं इस कंपनी में हूं, आप भी आइए, यहां पे तो ऐसे नोट आते हैं, ऐसे नोट। और जब आप दूसरे दिन कहीं उसको मेले में मिल गया ना गलती से, तो वो बंदा वहां पे अपनी साइकिल में आया हुआ है, ये हकीकत है। आज उसके पीछे, उसके मुखौटे के पीछे जो सच्चाई है ना, वो हमने देखी है मेरे दोस्त, और वही चीज आज हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। बस आप लोगों को अपना दिल और दिमाग यहां पे बनाए रखना पड़ेगा, नींद तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो नींद आ गया ना, उसको तो ऊपर वाला भी बचा नहीं पाएगा, सच्चाई कह रहा हूं। और जो लोग आज तक इस बिजनेस में
लंगड़ाते चल रहा था, उसको मैं कह रहा हूँ भाई बाहर ठेले की दुकान खोल के केला बेच ले, वो भी बढ़िया है, ये वो भूल जा। आज ये सतीश ठाकुर जो कभी बाइक का सपना देखा करता था, आज वो अपनी मर्सिडीज गाड़ी में चलता है। आज मर्सिडीज नहीं मेरे दोस्त, आज इस बिजनेस से 80 लाख रुपए गाड़ी की एंटरटेनमेंट में रोड में फेंके हुए हैं मेरे दोस्त। ये होना चाहिए। हम नकली लीडर नहीं है, हम डमी लीडर नहीं है। हमारे अकाउंट को बाद में देखिए, लेकिन सबसे पहले हमारे लाइफस्टाइल को देखिए साला, ये दादा बनता है। मैं तो स्पेशल बन के नहीं आया था, ऊपर वाले ने मेरे घर में तकिए के नीचे नोटों की गड्डी नहीं छुपाई थी। मैं भी दुबला पतला इंसान था, कमजोर था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था, पीछे बैठा था, लेकिन एक चीज उस दिन क्लिक कर गई, साला ये रोज रोज की ये भगदड़, ये बेरोजगारी, ये पैसों के लिए घर में वाद विवाद और झगड़ा है ना, बीवी छोटी छोटी बातों पे नाराज होती है। मुझे ये पसंद का कपड़ा चाहिए था, लेकिन आप मुझे ये नहीं खरीद पा रहे, आपकी औकात नहीं है। सोचिए जिस दिन आपकी बीवी ये बोल देगी कि तेरे शादी क्यों किया जब तेरी औकात ही नहीं थी मेरे सपने और मेरी जरूरतें पूरे करने की, तो मुझसे शादी क्यों किया, तब आपको शर्म आएगा। मुझे ये चीज बोला गया था, मुझे ये चीज बोला गया था मेरे दोस्त, जब मेरी बीवी पड़ोसियों की औरतों को देखती थी ना कि इसने तो इतना महंगा हार डाला हुआ है, इसने तो इतना महंगा कंगन डाला हुआ है, इसने तो इतना महंगा सूट और साड़ी पहना हुआ है, वो इतनी अच्छी कार में चलती है, तो वो चीजें ना मेरे भेजे में घुसी थी यहां पर भेजे में। आप लोगों के बीच ऐसा इंसान तो नहीं है, ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा लेकिन भेजा ही नहीं भेजा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा है तो सोचो मेरे दोस्त, जिस दिन मेरी वाइफ यानी धर्म पत्नी ने मेरे साथ ये बातें की थी ना, यहां तो लगा ही लगा था, इधर भी लगा था, उस दिन कसम खाया कि आज ना इस बिजनेस के अंदर अपने सपनों की ड्रीम मुझे लिस्ट मुझे पहले बनानी है। आप लोग ड्रीम की लिस्ट नहीं बना रहे हो, आप लोगों को लगता है कि ये मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है, ये मजाक नहीं है। यदि आपको इस जिंदगी ने कठपुतली की तरह नचा दिया ना, तो आपका बड़ा से बड़ा मजाक बन के रह जाएगा। आज गांठ बांध लो, ये जो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो आपको बताया जा रहा है ना, उसको अपने दिमाग में बैठा लो। अभी आप लोग जानते हैं कि कंपनी के टारगेट क्वालिफाई हुए थे हमारे लास्ट टाइम, बहुत बढ़िया टारगेट क्वालिफाई हुए थे, मुकेश जसवाल जी, ही इज अ ग्रेट टारगेट लीडर, इनके नेटवर्क से बहुत ज्यादा टारगेट अच्छी तरह निकले, मैं सुनता हूं इनके नेटवर्क से बहुत ज्यादा रैंक अचीवर निकलते हैं। क्या आपके नेटवर्क से टारगेट अचीवर और रैंक अचीवर निकलते हैं? निकलते हैं, निकलते इसीलिए नहीं है, तभी जाके चुप बैठे हैं, और जो चुप बैठे हैं ना वही आदमी जल्दी पकौड़ा बनाता है, ये याद रखिए। गला फायदा पड़ता है, यहां अंदर से आवाज आना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में फिर से आप लोग मातम में बैठे थे, ऐसा लग रहा है। भैया एक बात याद रखो, मैं नहीं जानता कि ये 15 से 20 मिनट के अंदर आप लोगों ने मेरी कौन सी बात समझी होगी, कौन सी बात सुनी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन दो बातें याद रखना इस बिजनेस में यदि आपको सफल होना है। जिंदगी के अंदर क्या खून, शरीर का खून, और इस बिजनेस के अंदर जनून। यदि ये दो चीजें आपकी कभी मर गई ना, तो ये सोचो कि दुनिया का कोई भी ताकत, चाहे रोहित कटियार सर आप लोगों के साथ कलाम देने आ जाए ना, आप कामयाब नहीं कर पाओगे इस बिजनेस के अंदर, सच्चाई बता रहा हूं। आपकी सोच कोई भी बदल पाएगा, आपकी सोच सिर्फ आप खुद बदल सकते हैं, ये याद रखना। तो क्या आप लोग अपनी सोच बदलने के लिए तैयार है? यस सर।
आप लोग अपनी सोच बदलने के लिए तैयार है? क्या बात है, बहुत खूब। एक बार अपने लिए सोचा चाहिए। देख रहे हो, मैं ये जो पसीना अभी बहा रहा हूं ना, ये पसीना खरीका नहीं बहा रहा हूं मैं। अभी 7 करोड़ का माया है और बहुत जल्दी 8वां करोड़ भी पार करने वाला है। ये बात सोचा चाहिए। नहीं फाड़ रहा हूं, हर एक पसीने का लाखों रुपए का कीमत मिलता है, ये याद रखिएगा। भूल जाओ, आपका धान कटाई हुआ है करने को, भूल जाइए। मैं ऐसे भी लोगों को देखता हूं ना, जब ट्रेनिंग होता है स्टेज शो का या कोई शो होता है तो बड़ा टाइट ही पहन के आते, जब घर जाते हैं तो फिर वही लूंगी, पैरों में चप्पल, सर पे मोटा सा पगड़ा, फिर खेत में मिलेगा बचवा। ये चल रहा है आप लोगों का स्टेज शो? मजाक है। 8-10 हजार लगाने से जिंदगी नहीं बदलती है मेरे दोस्त, अपने आप को समर्पित करना पड़ता है इस धंधे के लिए, तब जाके जिंदगी के अंदर आपका हर एक सपना पूरा हो सकता है। सोच को बदलना होगा, जिंदगी तब बदलेगी। क्या बताने के लिए तैयार हो? बताने के लिए तैयार हो? मैं ज्यादा ना कहता हुआ जितना भी बात मैंने अभी आप लोगों के सामने रखा, मैं चाहता हूं कि रात को, मैडम मुंह मत खोलिए, दिमाग खोलिए, नोट आएगा, मुंह खोलने से तो नींद ही आएगा, सही कह रहा हूं? मुंह खोलने से नींद आएगा, दिमाग खोलने से नोट आएगा भाई। ये संजय राव जी ने जो कहा ना कि नोट छापने की मशीन, अरे इनके घर में 2011 के अंदर लग गया था, समझ आया बात? तो आप लोगों ने नहीं लगाना क्या? मतदान केंद्र ही जाना है थप्पा लगाने? नोट छापने वाला मशीन नहीं लगाना क्या? लगाना है। तो समझो, आज रात को मुझे नहीं पता कि मेरी बातें कौन सी आपको समझ आएगी। ये सोचो रात को जब आप सोएंगे ना, तो बस मैं आप लोगों के काम के पीछे चिल्लाता हुआ हूँ और आप लोगों की नींद भागनी चाहिए, बस मुझे भीड़ के अंदर जाना है और आप रात को ही टॉर्च लेके भीड़ में जा रहे हो। तब मैं सोचूंगा कि वाकई में आप लोगों को मेरी बातें और मेरी ट्रेनिंग समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, गोल्डन डायमंड दोस्तों, थैंक यू।